हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल ड्यूटी। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउ टू इंस्टॉल एनी फॉन्ट इन योर कंप्यूटर। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो भी आपका लैंग्वेज है, अगर उस लैंग्वेज में आपको फॉन्ट चाहिए तो आप गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी किया है। सपोज मुझे मराठी फॉन्ट डाउनलोड करना है तो मैं गूगल पे जाके कोई भी यहाँ पे फॉन्ट डाल दूंगा और वहाँ से इंस्टॉल करके मैं मेरे डेस्कटॉप पे लेके आऊँगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, शिवाजी करके फोल्डर है, एक जिप फाइल है। तो इसको क्या करना है, हमें इसको राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है पहले। तो एक्सट्रैक्ट हियर। तो इसको अनजिप किया मैंने अभी। तो अनजिप करने के बाद एक फोल्डर आया यहाँ पे शिवाजी करके। ठीक है, एक सेकेंड स्किप किया। ठीक है, ये हमारा फोल्डर में अभी आपको दिखेंगे। यहाँ पे एक PNG है जहाँ पे आपको एक सैम्पल दिखाई देगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद एक HTML फाइल है। तो फॉन्ट का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो हमेशा रहता है .ttf। ओके, ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल बोलते हैं उसको फुल फॉर्म। तो अभी इसको क्या करना है, हमें हमारे PC में इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करूँगा, मैं ये दो फाइल स्किप करूँगा, ऊपर का और HTML फाइल और PNG फाइल। ये इमेज फाइल है और HTML फाइल है। जो TTF वाला है वो फाइल मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, 1, 2, 3। ठीक है, और इसको कॉपी करूँगा Ctrl+C करके या फिर राइट क्लिक करके कॉपी करना है इसको। और कॉपी करने के बाद हमें जाना है सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाना है विंडोज़ में, और विंडोज़ में सर्च करना है फॉन्ट, फॉन्ट ओपन करना है। और यहाँ पे सिंपली आपको कंट्रोल वे सबसे नीचे आना है यहाँ पे और राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है, या फिर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मेरा अभी मैंने इंस्टॉल किया है। ओके, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए 1, 2, 3 मराठी फॉन्ट है। अगर आपको हिंदी करना है तो आप गूगल से हिंदी फॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। एक जिप फाइल आएगा, उसको जस्ट अनजिप करना है और अनजिप करके जो भी TTF वाला फाइल है, डॉट एक्सटेंशन TTF वाला, उसको कॉपी करके आपको इंस्टॉल करना है आपके सी कॉलम विंडोज़ में। विंडोज़ के अंदर फॉन्ट सर्च करना है, सर्च के अंदर आपको वो दिख जाएगा, यहाँ पे आके पेस्ट करना है। तो अभी मैं एक वर्ड फाइल दिखाता हूँ आपको ओपन करके। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड फाइल ओपन करके आपको टाइप करके दिखाता हूँ। सपोज़ अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया मेरा फॉन्ट जो मैंने इंस्टॉल किया है एस वाला। देखिए यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पे SHIME टाइप करता हूँ, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं सपोज़ कुछ भी टाइप करूँगा, देखिए हिंदी में टाइप हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए टाइप हो रहा है मराठी में, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे आप, मैंने आपको दिखाया टाइप करके, ऐसे ही आप भी टाइप कर सकते हो आप फॉन्ट यूज़ करके। बहुत ही सिंपल है। थोड़ा अगर आपको मराठी अगर टाइपिंग करने आता है, हिंदी टाइपिंग करने आता है तो आप इजीली कर सकते हैं वो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।